दिन के समय नींद नहीं आना, घबराहट, चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव, ध्यान लगाने में कठिनाई, याददाश्त कमजोर बढ़ना, याददाश्त कमजोर बढ़ना। ज्यादा से कमजोरी हो रही है आपकी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसके सर में ना इससे ऐसे ऐसे कर रही हूँ, उसको इतनी गुदगुदी लग रही है, देखो दिया टच करने में गुदगुदी लग जा रही है इसको। अजी का ही, अजी का कमरे से लाया था हमारे, हाँ रुक जाओ। आवा को नहीं लगती ना, गुदगुदी दिखाओ कि तो मजे से करवा देगा, तो ऐसे उछल जा रहा है बिल्कुल। आओगी सर के नशे कम काम कर रहे हैं, आओगे नींद इसलिए अच्छा, आए, आओगी नशे मेरी कम काम सारी करे नशे काम करिए, इसलिए मुझे गुदगुदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के जो है 8 बजने वाले हैं और मैं लगी हूँ नानी का नाश्ता तैयार करने। तो पनीर की सब्ज़ी थी, उसने मना कर दिया रात ही कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा और मुझे ट्रायंगल पराठे ही खाने हैं सुबह। तो मैं लगी हूँ पराठे बनाने, ये सीखने में है, ये मैंने ऐसे बना के रख देती हूँ, फिर बेलने में और सीखने में आसान हो जाता है फटाफट से। तो चलिए बनाते हैं फटाफट पराठे, नोनी आता है फिर मिलाती हूँ नोनी से। फ्रेंड्स 8 बजे नोनी आ चुका है। नोनी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोल दिया क्या, इतना हैरान परेशान क्यों है? नो मॉर्निंग गुड। नो मॉर्निंग गुड, क्यों? सोना था इसलिए, सोना था ना इसको, तो इसलिए। तो ये मैंने इसके लिए बनाना शेक बनाया, कल बनाना जूस मांग रहा था नीचे जूस वाली दुकान पे, तो मैंने इसके बनाना शेक बना दिया। बनाना जूस, बनाना का जूस नहीं होता, आपको इतना नहीं पता? चुप, तू नहीं बोला कल मुझे। बनाना जूस किसने मांगा मुझसे कल? बनाना का जूस ही नहीं होता, तू किसने मांगा, किसने मुझसे? आप ही तो कह रहे थे बनाना जूस पीने। थप्पड़ मारूंगी खींच के, बोला जूस पीते हैं, तूने बोला जूस मिलेगा, बनाना जूस मिलेगा तब पीऊंगा, बोला नहीं बोला? तो ये बड़ा टेस्टी सा बनाना शेक, मैंने तेरे को वहाँ बोला था बनाना, मैंने ही करेक्ट किया था तुझे, बेवकूफ़ जूस नहीं होता शेक होता है वो। चल खा फटाफट, ऊपर देख, ओए देख तो ले इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सुबह के समय 9 बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं, और मौसम आप देख सकते हैं गर्म ही बना हुआ है और हवा तो चल रही है। सुबह शाम की जो ठंडक है वो बरकरार है, पर दिन में जो है मौसम पूरा प्लेन्स वाला हो चुका है, एकदम गर्म, तेज़ गर्म वाला। तो ये है आज का मौसम, और चले नाश्ता वाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो सुबह के 10 बज रहे इस समय, और हम, हाँ जी, हाँ किसी का जल गया, हमारे तो नहीं जल रहा कुछ, जलने की बहुत खतरनाक बू आ रही है भाई साहब, खतरनाक ही जल गया किसी का कुछ। तो हम लोग निकल रहे हैं नीचे की, मतलब थोड़ा सा काम है, बताती हूँ पता चलेगा आपको किधर को जा रहे हैं सुबह के 10 बजे। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए दिन भर की अपडेट्स के लिए। मौसम वैसे ही बना हुआ गर्म खतरनाक वाला, और भाई साहब इतने रशीज हो रहे हैं ना गर्मी की वजह से, परफ्यूम लगाओ तो मतलब जलन की हमारे आफत निकल जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जाके, कान में पानी घुसा बना के। तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे यहाँ पे बीडी पांडे हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा काम था हमको यहाँ पे, देखिए आप लाइन क्या लोग बीमार हुए हैं आजकल मौसम की खराबी की वजह से होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पर्चे जो बन रहे हैं उस वाली साइड में देखो, तो आप यहाँ पे कैसे जाके पर्चे बनेंगे। और ये दवाई की साइड में दवाई वाली लाइन लगी हुई है, और ये लोग छाँव में बैठे हुए, तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो जेंट्स में कम है लाइन, लेडीज़ में ज़्यादा लाइन है, तो आप खड़े हो जाओ लाइन में, तुमको पर्चा बनवाना है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना इस समय यहाँ पे, मतलब धूप में ना खड़े भी नहीं रहा जा रहा है, तो गर्मी की वजह से लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं, और ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ हो रही है, बिल्कुल मेला सा लगा हुआ, देखिए हॉस्पिटल में खतरनाक भीड़ भाड़ होती हुई। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हम लोग अपने डॉक्टर से मिल लेते हैं पहले, तो मैं चेक करती हूँ पहले डॉक्टर है किस साइड में। फ्रेंड्स ये देखिए हॉस्पिटल्स के हाल, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में होते ना उतने हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी ऐसी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ना थोड़ा छांव रखना चाहिए, लोग पर्चे बनाने के लिए खड़े होते हैं ना इतनी गर्मी में, मुझे लगता है वैसे ही फेंट हो जाएंगे गर्मी के मारे ही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी, खड़े भी नहीं रहा जा रहा वहाँ पे, भयंकर वाली गर्मी हो रही है, और भयंकर वाली भीड़ भी साथ में, बहुत लंबी भीड़। तो शुक्र है मेल्स में नहीं, तो वो खड़े हो गए वहाँ पे, फीमेल में तो मतलब बहुत लाइन उतर तक गई है पूरी की पूरी। तो ये हॉस्पिटल बीडी पांडे में भीड़ भाड़ का आलम। फ्रेंड्स ये देखिए बीडी पांडे हॉस्पिटल में जहाँ पे पर्चे बनते ना वहाँ के लिए तो लाइन लगी ना भाई साहब, भयंकर लाइन लगी है, देखें आप यहाँ से लेकर वो सामने तक हॉस्पिटल में लगा है मेला, तो यहाँ पे तो खतरनाक भीड़ हो रही है, भयंकर भीड़। तो मौसम इतना भयंकर बना हुआ है, लोग निरंतर बीमार होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं उतरती हूँ नीचे को, और ये है भीड़ भाड़ का आलम बीडी पांडे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से हम लोग आ गए रोड में, और गाड़ियों की लाइनें खूब लाइन से गाड़ियाँ जाती हुई, अब मौनको जा रहे हैं, मौनको से दवाइयाँ लेंगे और मिलेंगे। ये मौनको वाली रोड है, ये मॉल रोड की तरफ जाती है जो हाईकोर्ट साइड से,
लाइन देखें आप गाड़ियों की लाइन, वीक डेज में भी मतलब ये हाल है जाम का। मोनको में हमको मेडिसिन नहीं मिली तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भाई साहब इतनी सारी बाइक कहाँ से आ गई है सुबह सुबह। दिन में जब मैं आती तो ये बाइक्स नहीं होती यहाँ पे, तो अभी तो यहाँ पे पूरे बाइक्स का जखीरा लगा हुआ है इतना सारा, कहाँ से आई है पता नहीं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हिमानी में, क्योंकि इनकी जो मेडिसिन थी ना वो मोनको पे नहीं मिली है, तो देखते अब यहाँ पे मिल जाए तो शायद। और मेरे को यार काफ़ी सारा सामान भी लेना था इनके से, पूछती हूँ मैं ले लूँ क्या। तो फ्रेंड्स बड़ा बाज़ार में हम लोग इस समय, और दिन के 11 बज चुके हैं, मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं, और दुकान खोलने जा रहे हैं। अब मैंने बोला था इनसे अगर नहीं मन कर रहा तो बंद कर देते हैं थोड़ा सा, तो इन्होंने कहा नहीं खोल लेते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ आगे अगर मेरे को सनस्क्रीन मिल जाती है। तो मेरा ना एक्चुअली सनस्क्रीन ख़त्म हो ही गया है, बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, वो मेरे को छटक छटक के लगा रही हूँ। तो चलिए ये बड़ा बाज़ार दिन के 11 बजे, तो अब मिलते हैं जाके खड़ी मार्केट में फिर। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे खड़ी मार्केट में। तो मेरी जो सनस्क्रीन लेनी थी ना मुझे आज भी नहीं मिली, क्योंकि मैंने सोचा था लेडीज़ एंड चॉइस से लूँगी, बट वो भी बंद था इस समय। तो ये है खूबसूरत सी खड़ी मार्केट का नज़ारा सुबह के समय में, मतलब इतनी सुबह तो नहीं है, 11 बजे के टाइम पे तो धूप लग चुकी है यहाँ भी, और कहीं कहीं अभी छाँव है। छाँव में जाते सुकून आ रहा है, धूप में जाओ तो बहुत बुरी वाली गर्मी हो रही है। तो चलें जी हम लोग चलते, तो प्लेन्स वाले से कॉल करके पूछ रहे थे, अभी मुझे कॉल आया था दिल्ली से कि कैसा मौसम हो रहा है नैनीताल में, क्या हम आए या नहीं। तो बहुत अच्छा मौसम है प्लेन्स के हिसाब से, तो मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। अगर आप दिल्ली से यहाँ पे आते तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा मौसम, तो आप लोग आ सकते हैं दिल्ली से, लखनऊ से, बरेली से, मुरादाबाद से, जहाँ जहाँ से भी आप आते हैं, कानपुर से, रायबरेली से, सभी जगहों से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जाके दुकान पर ही मिलेंगे इसके बाद। और कोई है ही नहीं नैनीताल में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी मैया जी रक्षा करना माँ। तो ये जी मार्केट का इस समय नज़ारा, सुबह के 11 बजे सारी दुकानें लग चुकी है, सबसे लेट कौन हम। तो चलें फटाफट से दुकान खोलते हैं यार, पेटर मार्केट में भी एक आधी दुकान बंद है, वो पता नहीं बंद ही है या हमारी तरह लेट खोलने वाले हैं। तो सारी दुकानें खुल गई है, और हमारी दुकान नहीं खुली तो हमें लग रहा है कि सारी दुकानों में वो है आज तो लोग हैं। तो चलिए फटाफट दुकान खोलते हैं अब हम भी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन के ना 12 बज चुके हैं, तो हम लोग 11 बजे से लगाना स्टार्ट किए थे, तो अभी भी हमारी लगी नहीं दुकान पूरी, थोड़ी सी रहती बस अब, तो फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो क्योंकि सेटिंग फिर चेंज होनी थी, सेटिंग चेंज होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो दिन के बज चुके हैं 1:30, तो हम लोग दुकान शुकान लगा के पूजा पाठ करके, तो मैं मंदिर गई थी ना हाथ धोने, वहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा था आज, तो बैठे हैं अब थोड़ा सा। हाथ तो कड़क धूप लगी हुई, आप देख सकते हैं बाहर में कितनी मस्त वाली धूप लगी हुई है, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, ऐसा भी नहीं है। तो मौसम हल्का फुल्का खराब खराब जैसा भी हो रहा है, बारिश का ऐसा भी बनने वाला लग रहा है, कुछ आने वाला होगा मानसून शायद कुछ टाइम में। तो चलें बाकी मिलेंगे फिर कुछ देर में। तो फ्रेंड्स ये है दिन के 2 बजे का मौसम मार्केट में, और अभी ना छाँव सी आ गई है, तो यहाँ पे यही चल रहा है धूप छाँव। तो आज थोड़ी बहुत बीच बीच में छाँव जैसी आ जा रही है, बीच बीच में धूप जैसी आ जा रही है, तो इस तरह का हो जा रहा है। तो अनमोल की मम्मा आ रही है सामने से लेवेंडर कलर के सूट में। नमस्कार जी, बढ़िया आप ठीक है? तो चले जी फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में अच्छे से मौसम के साथ। देखिए अभी थोड़ी सी छाँव थी, अभी फिर से तेज़ धूप आ गई है, तो अजीब सा मौसम बना हुआ है, थोड़े से बादल से भी आने लग गए हैं। अब क्या पता बरसात शुरू हो जाए, मतलब बरसात का इंतज़ार है, पर हम इंसान भी ना अजीब ही होते हैं, बरसात ज़्यादा होगी तो हम परेशान हो जाते हैं, बरसात आ रही बरसात बरसात बरसात, गर्मी आएगी तो गर्मी गर्मी गर्मी, सर्दी आएगी तो सर्दी सर्दी सर्दी, तो किसी भी वेदर से सेटिस्फाइड नहीं होते हम, अजीब ही मतलब फितरत होती है इंसानों की भी। तो अभी गर्मी है तो गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी, फिर जाड़े होते होते हाई जाड़ा हाई जाड़ा हाई जाड़ा, तो इस तरह का चलता है। फिर बरसात में बोलेंगे यार इतनी बारिश आ गई, ये हो गई वो हो गई, मतलब हर सब तो वही वाला हिसाब किताब चल रहा है अभी। तो ये दिन के 2 बजे का टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 4:15 बजे का दृश्य कुछ इस तरह का है। अभी तक थी अच्छी खासी वाली छाँव यहाँ पे। आज का जो मौसम है थोड़ा सा सुकून भरा था, क्योंकि कभी छाँव कभी धूप इस टाइप का था, मतलब एकदम तेज़ धूप वाला मौसम नहीं था, तो हल्की फुल्की धूप हल्की फुल्की छाँव टाइप का ही रह गया। देखिए अब देखिए फिर से छाँव हो गया, जैसे छाँव हो जाता है ना फिर अच्छा सा मौसम हो जाता है, ठंडा ठंडा सा, तेज़ धूप में थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। तो चले कल मैं ये लेके आई थी ना, एक कॉट सेट लेके आई थी मैं वहाँ से, वो ना मुझे चुभ रहा था, वो उसका कपड़ा पता नहीं मुझे चुभने वाला कपड़ा था उसका, तो मैं उसको वापस करके आ रही हूँ अभी। और चले हमें जा रही हूँ ट्वेटर मार्केट में, ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, रोज़ ही बनाती हूँ, सामने दिख रहे कपड़े सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत के, ये सारे ट्वेटर मार्केट है। तो चले मैं फटाफट से लौटा के आती हूँ ये,
और फिर मिलते हैं वापस दुकान में। तभी शाम हो गई है तो मतलब धूप जाते हैं या थोड़ी सी लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, जब तक तेज़ धूप होती है तब तक फिर लोग नहीं होते। और जहाँ मेरे को ये लौटाने जाना है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है ऐसे में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो शाम के जो है 5:20 और मौसम ना काफ़ी के बादल बादल से हो गया था, अच्छा खासा सा, मगर हवा चल रही है कड़ाकेदार, तो सारे बादल उड़ा के दूसरे किनारे ले जाएंगे। तो देखिए काले काले बादल आ रखे हैं, थोड़ी सी बारिश की उम्मीद सी बन रही थी मगर लग तो नहीं रहा है वैसे होने वाली जैसी बारिश। तो ये शाम के 5:30 का 5:20 का नज़ारा, इस तरह का रश कुछ यहाँ पे हो रहा है। मैं आ गई थी वहाँ से इतना वो सामान लौटाने वाला लौटा के, फिर थोड़ी देर तेजी वहाँ गपशप मारी, उसके बाद आ गई थी मार्केट में वापस। भीड़ भाड़ कुछ इस तरह की, मतलब काफ़ी हल्की हो गई है अभी शाम के समय में। फिर एकदम से निकल आते कहीं से लोग, पता नहीं कहाँ से गए, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते पता ही नहीं चलता। शाम के समय में कई बार बहुत अचानक से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जोरदार हवा चली अभी, और ये पापड़ वाले का थैला उड़ गया था पापड़ सहित, इतनी तेज़ हवा आई। मैंने अंदर से देखा तो फिर आई मैं बाहर को, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो धूल मिट्टी ऐसे उड़ रही है क्योंकि थोड़ा सा बादल हो गया ना आज, क्या पता रात में बारिश ही हो जाए। चलिए देखेंगे, जब भी बारिश होगी तभी लाइव आएंगे हम, रात में होती जब भी होती है। ये देखिए नज़ारे, टाइम तो बताया नहीं मैंने, टाइम 6:00 है, मतलब 6 बजे से फिर वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी, और पता नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी शायद आज। तो फ्रेंड्स हनुमान चालीसा ख़त्म हो गया लग रहा है मुझे, क्योंकि लोग जा रहे हैं वापस। तो मैं सोचती थी शूट करने जाऊँगी, लेकिन मैं अभी बाहर को निकली तो लोग ऐसे प्रसाद वरसाद लेके वापस जाने लग पड़े हैं, तो छूट गया मेरा हनुमान चालीसा आज। तो चले कोई ना, नेक्स्ट ट्यूज़डे। तभी शाम के समय में थोड़ा सा रश सा हो गया है यहाँ पे, तो 6:15 अभी 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो 6:15 तक ख़त्म हो जाता प्रसाद वरसाद बट के। वहाँ मैं जाती तो दिखाती आप लोग कितनी भीड़ लगती है प्रसाद में भी, तो फिर मैं लेने भी नहीं जाती हूँ आजकल प्रसाद भी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे धक्के मुक्के वाली। तो भी हवा चल रही है यार। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी दिनों के बाद सत्यप्रकाश जी मार्केट में आए हैं, तो 6:30 इस समय, तो उनके गाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़े से गाने सुनाती हूँ आज, काफ़ी टाइम के बाद मैं इनको शूट कर रही हूँ। बीच में आए रहे होंगे पर मुझे पता नहीं। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे वाले ये तरह से उड़ा रहे हैं। तो इस समय मार्केट में मेला लगा रहता है शाम के समय में, तो ये देखिए यहाँ पे मेले वाला माहौल चल रहा है। तो अम्मा के खिलौने तो हमेशा दिखाती हूँ, अम्मा के खिलौने अक्सर। तो चलिए सत्यप्रकाश जी दिखा लेती हूँ आप लोगों को एक बार। फ्रेंड्स अभी मैंने सुनाया आप लोगों को सत्यप्रकाश जी के गाने, जो कि पुराने पुराने गाने वो गाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर को मार्केट वाली साइड में, तो अभी थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी नज़र आ रही है, मतलब फील्ड में ही दुकानों के साइड तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं, दुकानदार तो हम लोग थोड़े खाली खाली से बैठे हुए हैं। तो चले आज का जो ब्लॉग है ना इसको यहीं पर हम देते हैं पूर्ण विराम, और कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, पर उम्मीद कम लग रही है बारिश की, क्योंकि बादल बादल तो हो गए थे लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही, सारे बादल स्वाहा हो जा रहे हैं उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।